हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो G54 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की कॉल एंडेड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपके मोबाइल फ़ोन में कॉल एंडेड की प्रॉब्लम आती है ना, यानी कि कॉल पर बात करते हुए आपकी कॉल अचानक से बार बार एंड हो जाती है, तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जो है मोबाइल फ़ोन का जो सबसे पहले तो APN सेटिंग को आपको रीसेट करना है। ठीक है, APN सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो आपको सबसे ऊपर ये नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इसे आपको टैप करना है नेटवर्क एंड इंटरनेट पे। इसके अगले पेज में आपको मोबाइल नेटवर्क पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे की साइड आना है और आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम का, इसे टैप करना है। तो आपको APN का पेज मिलेगा। APN के इस पेज में सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन टैप करना है, तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन होगा रीसेट टू डिफॉल्ट का, इसे टैप करना है। तो आपको नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग, तो आप APN सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपके फोन में जो कॉल एंडेड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है मोबाइल फोन के हमारा जो है ना सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते, या फिर अपडेट आता तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का सिस्टम जो अपडेटेड है या नहीं आपको कैसे चेक करना है, इसके लिए आपको पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको जो है ना सबसे नीचे की साइड सिस्टम पर टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। तो आपका सिस्टम अपडेट के इस वाले पेज में अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सिस्टम जो है वो अपडेट हो जाएगा और आपकी जो कॉल एंडेड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को एक बार रीसेट कर देना है। ठीक है, देखिए मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग जो है ना कई बार हमारी ठीक तरीके से काम नहीं करती, जिसकी वजह से हमारे फोन में कॉल एंडेड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो आपको जो है सबसे नीचे की साइड आना है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम कैसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शन, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलता है रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इसे टैप करना है। तो ये जो तीनों सेटिंग है आपकी, ये तीनों सेटिंग वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग आपकी मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग में इंक्लूडिंग पहले से रहती है। आपको इसे नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पर टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पर अपने फोन का स्क्रीन लॉक एंटर करना है। इसके बाद आपको इसे राइट क्लिक करना है तो आपको नेक्स्ट पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलता है रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, तो आपको नीचे की साइड इसे रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। आपको नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा थोड़ी देर में नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। तो इस तरीके से आप मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपके मोबाइल फोन में जो कॉल एंडेड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का जो कॉलिंग का ऐप है, इस कॉलिंग के ऐप को रीसेट करना है, यानी कि इसका डेटा क्लियर करना है। कैसे करेंगे, इस कॉलिंग के ऐप को उंगली से दबा के रखिए। एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको ऐप इनफो लिखा हुआ मिलेगा, या फिर इस तरीके का जो सर्कल के अंदर आई बटन बना हुआ है इसे टैप करना है। तो आपका ना ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, तो क्लियर स्टोरेज का और दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले क्लियर कैच पे टैप करना है, तो नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है, तो डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा। इसमें आपको डिलीट का बटन या ओके का बटन टैप कर देना है, तो आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये कॉलिंग का ऐप जो रीसेट कर देना, जिससे आपके फोन में जो कॉल एंडेड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद यहां पर आपको आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फोन के साइड वाला पावर बटन उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको सबसे ऊपर ये रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, कॉल एंडेड की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बता दिए सारे प्रोसेस आप यूज करिए तो आपके मोबाइल फोन में जो कॉल एंडेड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी।